chair something on your women. Man, the man one chair the way we stand with an exchange, we are like a bank now, the kids, the people have now the bank and police have then Rehan Afis have then Shabros and police have or Bilkos who the tourist now and it's a Malana Kadu shared this half and you may. सफर की तमाम सौगातों को उठाते हुए हमारी बस्ती तक पहुंचे हम तमाम अपने बस्ती के बुजुर्गों की तरफ से और खुसूस नौजवानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर हमें सरकारी सेवा तो शौर्य में शिरकत फरमाई पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हज़रात मोमिनीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और तीन मरतबा सूरह मुबारक इख़लास की तिलावत फरमाकर उन तमाम मोमिनीन को याद करें जो पिछले साल तक इस फर्श अज़ा के ज़ीनत रहे, उन तमाम उलमा, उन तमाम ज़ाकिरीन, उन तमाम खुतबा को जो आपकी खिदमत में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद किया करते थे, वो तमाम लोग जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला ना हो, वो लोग जो रास्ते में मारे गए, वो लोग जो कैद में दुनिया से चले गए, वो लोग जिन्हें मजलूमियत की मौत मिली, वो लोग जो राह खुदा और राह मौला की उस शहादत के हामिल हुए जो एक हर शिया का नसीब होता है, उन सब को याद करें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم حبيب عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ذرا اسے کھلوا کے اور ادھر رکھوا کے گھما دو، بہت ڈسکمفرٹ، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ادھر سے کر اور یا تو پھر اسے نیچے کر دے اور اوپر رکھ دے، یہ ڈھیلا کر کے نیچے کر دے اگر ہو جائے بھیا نیچے کیجیے देख लो। मसाइब के पहले आते हैं, मसाइब के
अच्छा 11:10 या 11:12 हो चुका है इस वक्त। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त से शुरू हो जाती है जिस वक्त से पहला शायर नज़्म के तहजीब के दायरे में अपने अकीदे को अल्फाज में पिरो के बयान करना शुरू कर देता है। माइक का हिसाब किताब किसके पास है? ए भैया पहले सेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाओ, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो भाई, इतना ही ठीक है, इतना ठीक है, ऐसे ही रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो, हाँ ये बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, आप अपना ठीक कर लीजिए जैसे आपको सही लगे, अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए यहाँ पर जो कोई भी मेंबर पर बैठकर या माइक के सामने खड़े हो बकस्द खुशनूदी इमाम जमान, या अइमे अथार, या बकस्द खुशनूदी आबा व अजदाद, कि कम से कम वो ये देखकर और सुनकर खुश हो जाएं कि हम उन्हीं रास्तों पर हैं जिन पर वो हुआ करते थे, ठीक है, और अपने हर शेर को हर बयान को सवाब की नीयत के साथ पढ़ा जाए तो यकीन जानिए जो कोई भी आपके सामने विधाते मौला में अपनी जबान खोलता है, मुझे नहीं पता कि आप उसे लिफाफे में क्या देते हैं, मगर मैं इतना जानता हूं कि जन्नत में उसका एक कमरा जरूर तैयार होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल, ठीक। अच्छा बुजर भैया मेरी तो यही स्टाइल है गुफ्तगू करने की, बहुत सीधी सीधी बात, आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कोई बड़ी किताब खोलने की जरूरत नहीं होगी, किताब जिंदगी अगर आपकी समझ में आ रही है तो आपको मेरी मजलिस समझ में आएगी, और बहुत शांति से, काफ़ी आप थक चुके हैं माशाल्लाह से, काफ़ी आपने दाद भी दी है, अच्छा लगा मुझे, जागता हुआ मजमा है, हम मौलवी तो ऐसे मजमे के लिए तरसते हैं बेसिकली, और कुछ को अगर आदत लग जाए तो फिर वो दूसरी जगह पढ़ भी नहीं पाते, आप उन्हें खिताबत की दुनिया में ऐसा मखलूज बना देते हैं कि दूसरी जगह वो चिल्लाते हैं कि भाई आप दाद क्यों नहीं दे रहे हैं, गुस्से में आ जाते, आदत लग गई कि भाई जो जुमला बोला जा रहा है उस पे दाद मिल गई, ठीक है। सो आप ये यकीन से यकीन कर लीजिए कि मैं सिर्फ खुलूस से पढ़ रहा हूं, मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, कोई नारा नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे ये पता है मैं अपने मौला का तज़किरा करूंगा और आप अपने मौला का जिक्र सुन रहे हैं, आपको किसके क्या रिएक्शन लेना है वो आपका अपना कर्तव्य है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि मसलन कोई नारा लगा रहा है तो मैं मेंबर से उतर के गिलास पानी लेके उसे पिलाऊं कि भाई तू थोड़ा पानी पी, मगर ये कि सबका एक अपना एहतराम, सबकी एक अपनी इज्जत, सबकी एक अपनी रिस्पेक्ट, जैसे हजारों धागों से बुन के एक चादर बनती है, वैसे ही तशय्यो में ये धागे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मजलिस में नीचे बैठते हैं। अगर आप अपनी पसंद का धागा रखें और जो पसंद ना आए उसे नोच डालें तो चादर तार तार हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि अपने पसंद का भी धागा रहने दें और चादर को जिस धागे की जरूरत है उसे भी रहने दें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा, ठीक है। अगर आप आमादा हैं तो 30-32 मिनट फजाइल या तकरीर और बाकी के बचे हुए वक्त में मसायब मुझसे सुन ले, आखिरी अयाम की ये मजलिसें आप यहाँ पर बख्शी का तालाब, नाम ही अपने नाम में एक अहमियत रखता है कि भाई
जब आप बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो पता चलता है कि कोई स्पेशल जगह है। यानी लखनऊ के इतने करीब हो के लखनऊ आप पे हावी नहीं है, बहुत बड़ी बात। दुरूद पढ़े मोहम्मद। ठीक है, समझते रहिएगा, मैं लफ्जों का खतीब हूँ और मैं लफ्जों में ही जीता हूँ। वकील हूँ, अहले बैत का केस लड़ता हूँ, तो लफ्जों को ही बोलना अपने लिए बड़ी बात समझता हूँ। और ये भी समझता हूँ कि वो लफ्ज मेरी जागीर नहीं, ये मेरे मौला की अता है, तो सही वक्त पे सही लफ्ज बोल पाऊं। वरना अच्छे अच्छे बोलने वाले लफ्जों को तरस जाते हैं, जहन तो खुलता है मगर लफ्ज नहीं मिलते। एक बार मिलकर दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। लखनऊ से दिल्ली से कल रात चला, रन्नो मैंने पढ़ा और अब यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, और कल बलरामपुर पढ़ना है और शाम को मुझे कानपुर फतेहपुर पढ़ना है। और मुसलसल सफ़र है, एक दिन में दो मजलिसें, सुबह कहीं और शाम को कहीं और, तो मेरे इसी अंदाज को ज़रा कबूल कर लीजिए। मेरा मानना यह है कि बातों में दम हो तो चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अगर ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ तो आपको धीरे से ही समझ में आ जाए। अग्री हैं आप मेरे से? ठीक है ना? हाँ, तो अब आप मुझे यहाँ से सुनना शुरू कीजिए। अहले बैत और ख़ानदान अहले बैत, ये मेरा मौजू। अहले बैत का मतलब तो आपको पता है, इसे आप यूं समझिए, आपको याद है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 1400 बरस में माविया इब्ने माविया कितने इब्न आ गए कि आप भूल जाएं मगर आप अली को नहीं भूले। ठीक है ना, समझिएगा इस बात, कितने आ गए। अपने 4 साल का जमाना, 7 साल का जमाना, 9 साल का जमाना, 30 साल का जमाना, सब वो मिला के, बनी मिला के ना जाने कितने जमाने चले गए। ये 1400 साल का जमाना चला गया, ठीक है ना। अरे वो सब तो छोड़िए आप, ये अलकायदा आ गया उसका भी जमाना खत्म हो गया, IS आ गया उसका भी जमाना खत्म हो गया, अबू बकर बगदादी आ गया उसका भी जमाना खत्म हो गया, मुल्ला उमर आ गया उसका भी जमाना खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना, सब खत्म हो गया ना। हुसैन तो हुसैन, हुसैन का रोजा जहां था वहीं है। भैया टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती कि लाइव जा रहा है, अब यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनसे ज्यादा सुनने वाले वो दूसरे होंगे जो लाइव देखेंगे या कल तक देखेंगे, और मसला ये है कि उन्हें संदर्भ का तो पता चलेगा नहीं कि मैं किस संदर्भ में क्या बात कह रहा हूं। और संदर्भ पता नहीं चलेगा, लेकिन जिनकी बोलने की आदत है वो बोलते जरूर है, आदत बोलने की है। और अब जब से व्हाट्सएप आया है तो आदत बोलने की जो है वो तो ख्वाहिश रह गई, तो अब लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लिखते वो हैं जिन्हें ना तो अंग्रेजी में लिखना आता है ना उर्दू में लिखना आता है। बाप का इमला बेटे देखे, बेटा देखे तो उसे शर्माए कि मैं इनकी औलाद हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। मगर बहरहाल एक मौजू मैंने उठाया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आम फहम जबान में मैं इसकी तह तक जाऊं, और एटलीस्ट अगर पूरा मौजू मुकम्मल नहीं कर पाया तो एक खुलासा जरूर आपके सामने रखूं। अहले बैत और खानदान अहले बैत, असल में पूरे अरब में यही तो बस हैं जो अपने खानदान का तस्करा कर सकते। अच्छा देखो, अरब और हिंद में
कानवादे के एतबार से हिंदुस्तान में बाप पे फख्र किया जाता है, अरब में माँ पे फख्र किया जाता है। आपका जो हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है, हम खानदान का मतलब बाप समझते हैं, वहां खानदान का मतलब माँ है। माँ अगर पाक है तो फिर बाप का नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाप जितना भी बड़ा हो, अगर माँ का किरदार अच्छा नहीं तो बच्चा बाप का भी नाम छुपा लेता है कि क्यों मेरे बाप की बदनामी है। ठीक है ना, थोड़ा सा जहन खोल के समझिएगा और महसूस कीजिएगा। ना मेरी इस तकरीर का मकसद यह है कि मैं किसी के खानवादे और खानदान की बात करूं। हां, मेरी तकरीर का मकसद यह जरूर है कि मैं जिन्हें इमाम मानता हूं कम से कम उनके बारे में बताऊं कि वो क्या हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनका खानदान क्या है, उनका खानवादा क्या है, वो किस कड़ी से जुड़े हैं, उनसे कौन जुड़ा है। तो अरब में और हिंदुस्तान में यह खास फर्क है। हमारे यहां जो समाज है वो, हिंदी का जुमला इस्तेमाल करूं, पुरुषों का समाज है। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे साहब आप किसके साथ हैं? अरब के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ है। भैया खुदा के साथ हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैशर में देख लो कि माँ के नाम से पुकारे जाओगे कि बाप के नाम से पुकारे जाओगे। तो अल्लाह की शरीयत में आपका नाम जब पुकारा जाएगा तो माँ के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये माँ का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि खानदान में सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलसिले में कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कड़ियों में, जिन कड़ियों का तस्करा आप कर रहे हैं, उनका रियल लाइफ में होना जरूरी होता है। अगर आपने एक कड़ी बयान कर दी और रिसर्च में पता चला कि यह कड़ी तो है ही नहीं, तो फिर आप भी पकड़े जाएंगे और रावी भी पकड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही शांति से आप मुझे सुनिए ताकि मैं मौजू मुकम्मल कर सकूं आपके सामने। तो सिलसिले में मां का होना बहुत जरूरी है। अच्छा राहुल, एक अजीब बात यह है कि इंसान तो इंसान, जानवरों में भी मां का नाम आता है। ये बताओ, बकरे का बच्चा या बकरी का बच्चा? ये बताओ, बैल का बेटा या गाय का? समझ में आ रही है ना बात? देखिए, आपके यहां जो मौलवी भी, मैं तो बहुत छोटा तालिबे इल्म, जो मौलवी भी कुछ ला के पेश करे, आंखें बंद करके कौम इसलिए सुन लेती है कि उसके बाप का कुछ नहीं होता, सब अबू तालिब के बेटे का होता है। समझ रहे हैं? तो हमारे यहां जो बातें हैं ना, बड़ी मुदल्लल होती हैं। आप क्या बोले थे? अडिग होती हैं, एकदम मुस्तनद भी होती है, मुस्तैद भी होती है, हिलती नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि सच है। तो सच कभी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता। मुर्गे का बच्चा या मुर्गी का? मुर्गी का। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि मौलाना ने जानवरों की हसब व नसब तो पहुंचा दिया, कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कहीं पढ़ रहा था, अब जो जुमला है देखो, मैं कह के चुप हो जाऊंगा। आप कह के चुप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बोल लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, यह आपके ऊपर। मगर मुझे पता है कि कैमरे में जो मैं कैद हो रहा हूं, मेरी नीयत को छोड़ के जो लोग भी मेरे अल्फाज को सुनेंगे, वो ये जरूर कहेंगे कि कल मेरे शायद जो बोल रहा है वो लॉजिक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सिलसिले में मां बहुत जरूरी है। भैया गौर से, इंसान तो इंसान, जानवरों की भी, हैवान की भी, मगर एक शर्त है,
हलाल में मसला माँ का होता है, हराम में माँ का मसला नहीं होता। नहीं, अल्लाह की कसम, घरों तक सोचते जाओगे तो मुझे कम से कम कुछ दुआएं जरूर दोगे। मुर्गा मुर्गी समझ में आ गया, गाय बैल समझ में आ गया, बकरा बकरी समझ में आ गया। भैया हलाल बात कर रहा था मैं, हराम में कुत्ता और कुत्ते का बच्चा कहा जाता है। पता नहीं मेरा मजमा कहाँ है, पता नहीं क्या बेटे। हलाल का हो, मां का तस्करा होता है। जहां हलाल अपनी आंखें बंद कर ले और बात यह हो कि हराम बोले, तो फिर वहां एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते जो मैंने अभी बोला। फिर अगला भी जुमला है, सुअर और सुअर का बच्चा। नहीं, ये आप घर में भी नींद में भी उठेंगे ना, मौलाई हैं तो वाह वाह करते ही उठेंगे। बड़े आराम से पढ़ रहा हूं ताकि महसूस करो, फख्र करो। आखिर मेरा मौला कह रहा है कि तुम जब अपने दिल में मेरी जद की मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माओं को दुआएं दो। हैं भाई, ये भी तो कह सकते थे कि अपने अब्बा के लिए दुआ करो, कह सकते थे ना। लेकिन क्या फरमाते हैं, जब तुम अपने दिल में मेरे जद की मोहब्बत की खुनकी महसूस करो तो अपनी माओं को दुआएं दो कि उसने अमानत में खयानत नहीं की। मैं बड़े आराम से क्यों पढ़ रहा हूं पता है? खिताबत की दुनिया में जब दाद लेने वाला जुबला होता है तो बोलने के बाद थोड़ा आवाज भी तेज रहती है, थोड़ा आदमी कोशिश भी करता है कि उसके बयान के अंदाज से कुछ और दाद मिल जाए। मगर मुझे घड़ी का अंदाजा है, अगर आप ज्यादा दाद देंगे तो मेरी मजलिस भूल जाएंगे, इसलिए मुझे चाहिए कि आप मेरी मजलिस याद रखिए ताकि जुमला आपको याद रहे कल दुरुशेद पढ़ के क्या गए। वो जो बहुत तेजी से पानी बरसता है ना, वो बह जाता है। वो जो धीमे धीमे बरसता है ना, वो डीप रूट तक जाता है, अंदर तक जाता है। फख्र करो, ये जो तुम हिंदुस्तान में जिंदा हो, ये जो तुम पाकिस्तान में जिंदा हो, ये जो तुम दुनिया में जिंदा हो, ये जो तुम अरब में जिंदा हो, ये जो तुम अजब में जिंदा हो, ये जो तुम अमेरिका, लैटिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन में जिंदा हो, ये अपनी कोशिशों से नहीं जिंदा, अपने इमाम की अता से जिंदा हो। तुम कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि इंजीनियर हो इसलिए चले जा रहे हो, डॉक्टर हो इसलिए बने जा रहे हो, खतीब हो इसलिए उड़े जा रहे हो। कभी मत सोचना, वो जो पर्दे के अंदर है ये सब उसका करिश्मा है, ये सब उसका करिश्मा है। ये सब दुनिया में लोग इतना कमा नहीं पाते जितना एक शिया जवान हुसैन के नाम पे जिंदगी में खिला दे। एक बार मिलके दुरूद पढ़े मोहम्मद। तो महसूस कर रहे हैं आप, खानवादा अगर है तो सिर्फ पहले बैत का, चूंकि खानवादे के लिए सिलसिले की जरूरत, मां की जरूरत,
माँ के कैरेक्टर की जरूरत है। बहुत बड़ा नाम है ये माँ। इमाम फरमाते हैं अगर मैं तुम्हें माँ की अजमत बता दूं तो तुम पागल हो जाओगे। इमाम का ये कहना अपने आप में खबरदार उसकी जबान का जवाब, दूसरी जगह फरमाते खबरदार उसकी जबान का जवाब ना दो जिसने तुम्हें जबान को जबान दी, बोलना सिखाया। खबरदार, ये जो माँ है ना इसकी इज्जत करना सीखो। आपको पता है गुजरात में जब किसी बीबी की किसी खातून मैयत दफन होती, उसके पहले जब उसे गुस्ल दे के आमादा कर लिया जाता है तो गुस्ल देने वाली जो बुजुर्ग औरतें हैं वो मरहूमा के बच्चे को बुलाती, और पता है वो क्या करती, वो उस बच्चे को उनकी माँ का कदम दिखाती है और उस कदम को देख के और दिखा के कहती है कि बेटा तेरी जन्नत यही है। हाँ बिल्कुल, जिस वक्त ऐसे सीरियस आप बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही बैठे रहिए तो मैं लाइव भी पढ़ पाऊंगा। कदम, माँ का कदम। अपनी माँ को नहीं समझोगे तो हुसैन की समझोगे। माँ को समझो, तुम्हारी माँ। अपनी माँ को नहीं समझोगे तो अनु मोहम्मद की माँ को समझ लो। तुम्हारे बिसात औकात में है उन्हें समझना, अपनी अम्मा समझ लो भाई, अपनी अम्मा समझ। हाँ, वो जिसने जुमेरात में तुम्हें उंगलियां पकड़ के मजलिस में बैठना सिखाया कि तुम्हें विलायती नारे लगाने की तमीज आ गई, तुम्हें पता चल गया कि कब किसके शेर पर किसके दुखते पे किसके मजलिस में कहां बोलना है, ये तमीज भी बहुत बड़ी बात होती है। वो माँ जिसने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, हमारा सलाम हो उन माओं पर कि अगर उन्होंने नेकियां ना की होती तो हम इस फर्श के अज़ाब पे ना होते, ना मैं बोल रहा होता ना आप सुन रहे होते। समझ में आ रही है बात? खानदान और अहले बैत का खानदान, ये एक ऐसा जुमला है कि अरब में सिर्फ इसी घर के पास मिलेगा, दूसरे किसी के पास नहीं मिलेगा। वजह क्या है? जाइए जुमा के खुतबे को सुनिए, आपका आलिम बिना सिलसिले के आपके किसी मौला का नाम नहीं लेता। वो अली नहीं कहता, अली इब्ने अबी तालिब कहता है, वो हसन नहीं कहता, हसन इब्ने अली कहता है, वो हुसैन नहीं कहता, हुसैन इब्ने अली कहता है, वो अली इब्न अल हुसैन कहता है, वो मोहम्मद इब्ने अली कहता है, वो जाफर इब्ने मोहम्मद कहता है, वो मूसा इब्ने जाफर कहता है, वो अली इब्ने मूसा कहता है, वो मोहम्मद इब्ने अली कहता है, वो अली इब्ने मोहम्मद कहता है, वल हसन इब्ने अली कहता है, वल हुज्जतुल क़ाइम अल मुंतज़म। सलामत रहो। जुमला सुनना तो जुमला बोलने जा रहा हूँ, मेरी खिताबत का 20 साल का 20 साल पुराना जुमला है। गोलकोठी में मैंने पहली मर्तबा आज से 20 साल पहले कहा था कि ये हम शिया अपने इमामों का नाम हसब व नसब के साथ इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि मिलता है अरब में, दूसरी जगह नहीं मिलता, क्योंकि अरब में बाप का पता चलेगा माँ का नहीं चलेगा, माँ का चलेगा बाप का। दुरूद पढ़े मोहम्मद खानदान को जरा नजदीक से आके देखिए तो इस खानदान में एक खास बात है, इसमें इस खानदान की एक खास बात है, इसमें सब मोहम्मद हैं। आप कह सकते हैं मौलाना अभी अभी तो आपने नाम गिनाए, अभी आपने अली कहा, अभी आपने हसन कहा, अभी आपने हुसैन कहा, अभी आपने इमामों के नाम लिए, हम भी इमामों के नाम लेते, फिर ये सब मोहम्मद। हाँ मेरे अजीजान, अगर मुझ जैसे मौलवी से
आप जैसे लोगों से कोई पूछे कि मोहम्मद के बाद कौन है, तो कोई भी कहेगा अली, हसन, हुसैन, सज्जाद, बाकर, कोई भी कहेगा। मगर अगर सिस्तानी जैसे आलिम से कोई पूछे कि मोहम्मद के बाद कौन, तो वो यही कहेंगे मोहम्मद। मोहम्मद के बाद कौन, तो वो यही कहेंगे मोहम्मद। मोहम्मद के बाद कौन, तो वो यही कहेंगे मोहम्मद। मोहम्मद के बाद कौन, तो वो यही कहेंगे मोहम्मद। मुझे याद है 4 साल पहले मुहर्रम के अशरे में मैंने ये जुमला कहा था कि उसने जब भी बनाया मोहम्मद बनाया, उसने मोहम्मद के अलावा कुछ नहीं बनाया, उसने जब बनाया मोहम्मद बनाया। फिर ये सोच सकते हो कि ये दुनिया किसने बनाई, तो परेशान क्यों होते हो? वो मोहम्मद बनाता रहा, ये दुनिया बनाते रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। अजीजान, यही खानवादा है, यही खानदान है जिनके मुकद्दरात इस्मत व तहारत या ज़वात मुकद्दसा किसी के पास भी खुलूस और रुजू के साथ इस्तदा कर लो, मांग लो, नजर मांग लो, मुराद मांग लो, ऐसे चश्मे जदन में पूरी होती है। मांगने में देर होती है, अता में देर नहीं होती। मांगने में देर होती है, अता में देर नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज क्या है, खुदा बख्शने के बहाने ढूंढता है और ये बख्शने के बहाने देते हैं। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। खुदा बख्शने के बहाने ढूंढता और ये बख्शने के बहाने देते। आप इनसे नहीं मिले ना, नहीं उस वक्त नहीं थे, नहीं मिले, कब्र पे चले जाओ, कब्र पे चले जाओ, चले जाओ कब्र पे ज़ियारत कर लो। मौला फरमाते हैं कि खुदा जिसको बख्शना चाहता है उसके दिल में मेरे बाबा के कब्र की ज़ियारत की ख्वाहिश जगा देता है। कब्र पे नहीं जा सकते, नहीं गए करबला, कोई बात नहीं, अपने महल्ले के इमामबाड़े में चले जाओ, जरी को नहीं चूम पाए, कोई बात नहीं, ताजिया चूम लो। खुलूस इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम जब ताजिए पे हाथ रखो तो इस अंदाज से रखो कि मौला मैं ऐसे ही हाथ रख रहा हूं जैसे तेरे जरी है मुकद्दस पे हाथ रख रहा हूं। इतना एहतराम। और एक जुमला सुन लो, अगर पूरी मजलिस भूल भी गए तो ये जुमला तुम्हें याद रहेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो मौजूद मुसल्ला है, तुम्हारे घर में मौजूद जो मुसल्ला है उसका कितना एहतराम करते हो? कुरान के बाजू में जहां जगह खाली होती है वहीं रखते हो, ऐसा ही होता है ना? हैं? किसके कदम गए हैं उस मुसल्ले पर, या आपके अब्बा के, या आपके घर वालों के, या आपके दादा के, इसके अलावा किसके कदम गए उस मुसल्ले पर? किसी इमाम ने आके नमाज पढ़ी है क्या उस मुसल्ले पर? नहीं ना, आपके ही कदम गए मगर अल्लाह के लिए गए। आपके कदम गए हैं मगर नमाज में गए हैं। तो आपके घर का मुसल्ला जिस पर आप नमाज पढ़ते हैं इतना मुतबर्रक हो जाता है कि उसे आप जमीन पे ना फेंकते हैं ना छोड़ते हैं, उसे नमाज के बाद मोड़ते हैं, उठाते हैं और चूमते हैं। जब तुम्हारे कदम घर के मुसल्ले को इतना मुतबर्रक और नमाज की अदायगी उसे इतना मोहतरम बना देती है तो फर्शियाजा सैयदा के कदम के सबब कितना मुतबर्रक होगा।
बस मेरे अजीज अल्लाहु सल्लल्लाहु मेरे इस बात को याद रखिएगा, जब मजलिस के बाद फर्श अज़ा उठाएं एहतराम के साथ उठाएं, जब बिछाएं एहतराम के साथ उठाएं। उमूमी तौर पर हम झुक के जब चादर को ठीक नहीं कर पाते तो पांव से ठीक कर लेते हैं, ये भी ना किया करें। झुक के हाथ से वो जिनके हाथ फर्श अज़ा तक पहुंच जाते हैं उनके कदम जन्नत तक भी चले जाएं। हाथ फर्श अज़ा तक जाने चाहिए, इज्जत एहतराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक छोटी सी दलील अजमत की दी है, रसूल खुदा के कदम रिवायतें साबित हैं भाई, ये कोई ऐसी बात मैं नहीं पढ़ रहा हूं जो साबित नहीं है, साबित है। रसूल खुदा के कदम, आइम्मा अथार के कदम, हजरत मासूमा के कदम, और आज जिस तारीख में आप बैठे हैं यानी 29-30 की कैद को अगर मैं हटा दूं तो रसूल की शहादत का तीसरा दिन। इस दिन क्या हुआ था पता है आपको? इस दिन क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, रसूल खुदा की शहादत का तीसरा दिन। इस दिन दरवाजा जलाया गया था, रसूल की शहादत का तीसरा दिन, इस दिन दरवाजा जलाया गया था। अच्छा, मैंने तो कह दिया दरवाजा जलाया गया था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया गया था, इस दिन मोहसिन शहीद हुए। इसी दिन पसलियां टूटी थी, इसी दिन अली के गले में रस्सी बांधी गई, इसी दिन 7 साल के हसन ने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी मां गिर के उठना चाहती है मगर उठ नहीं पा रही। अगले साल जब आप ये मजलिस करें तो इस उनवान से करें, शहादत जनाब मुस्लिम तीसरे दिन, शहादत रसूल के तीसरे दिन। 29 और 30 के हिसाब को आप समझ लीजिए वो कैसे होगा, तीसरा दिन याद रखिए। मैंने रन्नो की मजलिस में भी कहा, बहुत बड़ा दिन और बहुत अहम दिन। ये ठीक है, इस रबीउल अव्वल की बड़ी खसूसियत और सबसे बड़ी खसूसियत यह कि इसी रबीउल अव्वल में मेरे रसूल की विलादत है, इसमें कोई शक नहीं कि खातमुन्नबीयीन का मर्तबा हमारे यहाँ सबसे बुलंद है, मगर उन्हीं खातमुन्नबीयीन की औलादों में जो शहादतें और जो तकलीफें हैं हम उस दिन को भी नहीं भूल सकते। उस दिन को भी याद रखना और याद रखवाते रहना ये हमारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं आप? शियत को अंजुमनों में मत बंटने दो, शियत को मौलवियों में मत बंटने दो, शियत को शहरों में मत बंटने दो, शियत को टुकड़ों में मत बंटने दो, शियत को खानवादों में मत बंटने दो, शियत को हैदराबाद की बिरयानी और लखनऊ के शीरमाल में मत बंटने दो। शियत नहीं बंटती, सलमान से अबूजर जुदा नहीं, अबूजर से मिगदाद जुदा नहीं, मिगदाद से सलमान जुदा नहीं, सलमान से हुज़ैफा जुदा नहीं, इनमें कोई किसी से जुदा नहीं है। अलग होना अलग बात है, जुदा होना अलग बात है। तुम अलग शहरों में रहो मगर जुदा मत रहो, अलग अंजुमनों में रहो लेकिन जुदा मत रहो, अलग जबानों में रहो जुदा मत रहो, अलग इलाकों में रहो जुदा मत रहो। शिया जो मानता हो अल्लाह एक, पंजतन पांच, इमाम 12, मासूम 14, वो एक दूसरे से कैसे लड़ सकता है, कैसे लड़ सकता है? इसलिए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। कितने लोग होते हैं जो झगड़ा ठीक करते हैं? सब झगड़े पे झगड़ा करवाते हैं, झगड़ा ठीक नहीं करते। आपको क्या हुक्म दिया गया है? आपको हुक्म दिया गया कहीं झगड़ा हो रहा हो तो ठीक करो, पार्टी बंदी मत करो। अगर झगड़ा हो रहा है, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप इसकी तरफ हो जाइए और वो उसकी तरफ हो जाए, क्योंकि ना तो कोई यहां हुसैन है और ना ही कोई यजीद। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इस खेमे में दो ही किस्म के लोग हैं, या कोई मीसम का गुलाम है या कोई हुर का गुलाम है। समझिएगा बहुत गहरी बात है, या कोई मीसम का गुलाम है या कोई हुर का गुलाम है। दोनों शियत के किरदार है मगर एक फर्क है, मीसम सच बोलता है, हुर झूठ नहीं बोलता। आ, 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 आ,
समझ रहे हो मेरे जवान? बस मैंने मौजू भी मुकम्मल किया, सिर्फ पहले बैत का खानदान है। दुआ के लिए हाथ उठे हों तो इस खानवादे के किसी भी फर्द का नाम ले लो, दुआ की कबूलियत की जमानत। तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो, मैं मिंबर से कह रहा हूं, दो रकअत नमाज हाजत पढ़ो और खुदा से अली अकबर की मां का वास्ता देकर सवाल करो। मैं इस मिंबर से कह रहा हूं दुआ कबूल होती। फातिमा जहरा से कहो कि आपको आपके बाबा का वास्ता, दुआ कबूल नहीं होती। अपने हाथों को बुलंद करो और गाजी से कहो आपको आपकी सकीना का वास्ता। कौन कहता है दुआ मांगने को कहा गया है? दुआ मांगने को कहा गया है इसीलिए कि पूरा करने वाले बहुत सारे। खुलूस तो लाओ, खुलूस तो लाओ। खुलूस नहीं होगा तो किसी चीज की कोई इज्जत नहीं है। मैं अगर खुलूस में नहीं हूं तो मेरा पढ़ना कुछ भी नहीं है। आप अगर खुलूस से नहीं सुन रहे हैं तो आपका सुनना कुछ भी नहीं है। भाइयों, मैं शर्मे खुलूस काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। मेरे अजीजों, मैंने ये गुफ्तगू और थोड़ा सा सख्त और संजीदा इसलिए की कि शायद कोई फर्ज अदा कर पाऊं। याद रखिएगा, इस वक्त इस जमाने में इस हिंदुस्तान को आपके अक्ल की जरूरत है, जज्बात की नहीं। अक्ल से काम लो। हमारे यहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई आपका एक रेडियो चैनल नहीं है। रेडियो, रेडियो नहीं है आपके पास भाई। रेडियो कितने साल से आपका चैनल है? 2012 से आपका इनका चैनल, 2012 से 360,000 लोग हैं, 6 करोड़ शिये के दावेदार हम हैं। कहां गए भाई सब, कहां गए? बेदारी नहीं है, बेदारी पैदा करो, बेदारी पैदा करो। कब तक बटोगे? कब तक शिया शिये को अपनी शियत समझाने में रहेगा और साबित करने में रहेगा? मैं तो सारे हिंदुस्तान में जाता हूं, मैं इलाकाई मौलवी तो हूं नहीं भाई, हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, मेरे नाम के बाजू में दिल्ली लिखा रहता है, आपने भी अभी ऐलान किया होगा। सारे मुल्क में सब मोहब्बत करते हैं, सब जगह जाना हो, कोई एक इलाका नहीं। मैं तशय्यो को देख रहा हूं, मैं शियत को देख रहा हूं, मैं उन बच्चों को देख रहा हूं जिनके 75% नहीं 95% मार्क्स हैं साइंस में, लेकिन मेडिकल में एडमिशन बाप नहीं करा सकता, पैसा नहीं है उसके पास। और आपके पास कोई तंजीम नहीं, कोई अंजुमन नहीं, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इतिहास की बातें मत करो कि हमारे चचा अब्बा ने ये बनाया था और हमारे दादा के दादा ने ये बनाया था। यार आप क्या बना रहे हो? इतिहास में किसने क्या बनाया वो भूल जाओ। तुम कब इतिहास बनाओगे? तुम कब इतिहास बनाओगे? आपको पता है सियासत में क्या होता है? ये हमारे बड़े भाई जो हैं ये जाके समझा आते हैं पॉलिटिकल लीडर को कि शिया तो 1.5% है, इनकी तो कोई आबादी नहीं। जब आबादी नहीं है आपकी तो फिर आपकी डिमांड भी पूरी नहीं होगी, आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आपकी वैल्यू भी नहीं होगी। क्यों बताइए, क्यों ये 1.5% क्यों साबित हो जाता है? इसलिए साबित हो जाता है क्योंकि आप 150 लोगों को लेके कहीं भी धरने पे पहुंच जाते हैं तो आपका 1.5% साबित हो जाता है। जिस दिन आप 50,000 की आबादी लेके कहीं पहुंच जाएंगे ना, तो जिस दिन नेता को ये लगेगा कि मेरे कपड़े बाहर सलामत नहीं रहेंगे, जिस दिन लीडर को लगेगा कि आपकी तादाद को दबा नहीं पाएगा, उस दिन आपकी आवाज भी मानी जाएगी और बात भी मानी जाएगी। महसूस कर रहे हो मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूं? ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि अय्याम अज़ा के आखिरी दिन मनाने बैठो, भूल मत जाना। हुसैनी वो होता है जो मुतहर्रिक हो, हर वक्त उसका जहन अपने मिशन पे काम कर रहा हो। मेरा मुल्क बड़ा, मुल्क की जमीन बड़ी, मेरे हमसाये बड़े, मेरे लोग बड़े, मेरा शहर बड़ा, मेरे इंसान बड़े, मेरे दोस्त बड़े, उनके हुकूक बड़े, उनके लिए जंग बड़ी। जो हमेशा सोचे समाज के लिए सोचे, पड़ोस के लिए सोचे। हमारे यहाँ सोचिएगा, रेडियो नहीं है, टीवी तो कोई सोच ही नहीं सकता, ठीक है? टीवी हमारे यहाँ एक इंफॉर्मेटिव टेलीविजन है, आखिरत के लिए बातें उसमें बताई जाती हैं। काश के इतनी समझ आ जाए लोगों को
कि दुनिया भी आखिरत की ही खेती है। मुझे नहीं पता कब लोगों को समझ में आएगा कि दुनिया ही आखिरत की खेती है। लोग आखिरत को दुनिया से अलग करके क्यों देखते हैं भैया? इसी में जन्नत, इसी में जहन्नम। अच्छा करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा करोगे तो जहन्नम में जाओगे। दुनिया, इसे समझो मेरे अजीजो। और करबला ने तुम्हें यह समझाया है, प्योर रहो, तादाद मैटर नहीं करती, नियत मैटर करता है। हुसैन के पास कितने लोग थे? हुसैन को लेके 72 सारे कुर्बान हो गए, मगर किसी की नियत में कोई कमी नहीं थी, सब हुसैन के साथ थे। अल्लाह की कसम, आप भी एक मकसद के लिए जब सब साथ आ जाओगे तो कौम बुलंद हो जाएगी, कौम कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। इस तफरते को, इस निफाक को, इस टोलीबाजी को, अंजुमन बाजी को, इस गिरोह को खुदा के वास्ते दीन से जोड़ के मत देखो। अगर हाथ सीने पे आ रहा है और जबान पे या हुसैन है तो वो बस हुसैनी है, सिर्फ मेरे मौला का चाहने वाला है। और उन्हीं तमाम हुसैनियों को सलाम करते हुए मैं करबला लेके चलना चाहता हूँ। आखिरी अय्याम है, जैसा कि मैंने बताया आज ही की वो तारीख है तकरीबन, हुदूदन अगर 3 दिन का हिसाब करें नबी की शहादत के बाद, जब सैयदा की पसली टूटी, जब मोहसिन शहीद हो। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ, मुझे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने सुनाई थी, शेख अली अमोई आयतुल्लाह खुमैनी के इस्फहान में वकील हुआ करते थे। मडगास्कर में जब इमाम जुमा था, मैं एंटरनरीवो में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे मसायब की कोई अच्छी रिवायत, ऐसी रिवायत जिसको मैं सुनाऊं तो लोग गिरिया करें। तो उन्होंने कहा कलबुरुशहर बैठो, मैं तुम्हें एक रिवायत सुनाता हूँ। और तब उन्होंने ये मुझसे कहा कि देखो सैयद सज्जाद से किसी ने सवाल किया, मौला तेरे बाबा का सब्र बड़ा या तेरे दादा का सब्र? तो सज्जाद ने रो के फरमाया मेरे दादा का सब्र बड़ा। वो पलट के कहता है मगर मौला तेरे बाबा ने तो अकबर के सीने से बच्ची का फल निकाला है। मैं देख रहा हूं आप रोने के लिए बेचैन है, मैं देख रहा हूं आप बेचैन है पुरसा देने के लिए फातिमा जहरा। मुझे मालूम है कि शिया को मसायब सुनाने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता है कि मजलिस में 3 बेटियां जरूर मौजूद है, कहीं नबी की बेटी है, कहीं अली की बेटी है, और कहीं हुसैन की बेटी। नबी की बेटी रुमाल लेके आपके सामने। देखो मेरी 34 साल की खिताबत में पिछले 20 साल से ये जुमला पढ़ रहा हूं, खुदा ना करे हमारी जिंदगी में वो दिन आए जब हम हुसैन पर पड़ोसियों जैसा रोएं। देखिए जब कहीं मैयत होती है ना तो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं, एक पड़ोस वाला रोता है, एक गली वाला रोता है, और एक घर वाला रोता है। पड़ोस वाला खुद को संभाल के रोता है, गली वाला तमीज और तहजीब से रोता है, मगर जो घर वाला होता है ना वो बड़ी बेबसी में, वो बड़ी बेकसी में रोता है, वो धाड़े मार के रोता, वो ताने बाए नहीं देखता। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश शोहदा के। बस एक रिवायत मुझसे सुन लो और मजलिस तमाम है। सैयद सज्जाद से साहिल कहता है मौला ये बता तेरे बाबा का सब्र बड़ा या तेरे दादा का सब्र बड़ा? सज्जाद रो के फरमाते हैं मेरे दादा का सब्र बड़ा। वो कहता है मगर मौला अब्बास के बाजू तेरे बाबा ने उठाए, कासिम के लाशों के टुकड़े तेरे बाबा ने उठाए, अकबर के सीने से बर्छी का फल तेरे बाबा ने निकाला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सज्जाद फरमाते हाँ सब सच है, मेरे बाबा ने मेरे चचा के बाजू उठाए, मेरे बाबा ने मेरे भाई कासिम के लाशों के टुकड़ों का उठाया, मगर मेरे बाबा की जिंदगी की 2 बड़ी मुसीबतें जिंदगी के बाद आई। वो कहता है मौला वो क्या? फरमाया मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी की गर्दन उसके सामने काटी जाए, इसलिए मेरा बाबा लाशें उठा के लाता और खेमों में सजा देता।
शाम गरीब आसमान करबला ने जो सबसे बड़ा जुल्म देखा वो ये था कि जब खेमे जल गए लाशाए शोदा जेरे आसमान आ गए फिर जालिमों ने क्या किया, अरे लैला के सामने अकबर की गर्दन काट दी, अरे फरवा के सामने कासिम की गर्दन, अरे जैनब के सामने मोहम्मद की गर्दन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता, मौला कैसे रोए? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने तक आए इमामों का। वो कहता है मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए। सज्जाद रो के फरमाते मेरी दादी फातिमा जहरा का, इसलिए जब भी रोया करो आवाज बुलंद रोया, इतनी आवाज में रोया करो कि तुम्हारे इलाके से अगर किसी का गुजर हो तो वो सुन के समझ जाए इनका कोई मर गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुम। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम है। रो के फरमाते हैं चंद सरों को छोड़ के मेरे बाबा की कोशिश थी किसी का सर उनके सामने न जुदा हो, जिस्म से जुदा हो। मेरा बाबा नहीं चाहता था ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर छीनी जाए। मेरा बाबा नहीं चाहता था शोदा का सर तन से जुदा हो। ये दो बड़ी मुसीबतें आई तो सही मेरे बाबा पे, मगर जिंदगी के बाद आई। मगर इंसाफ कर, मेरा दादा जिंदा था, मेरी दादी का पहलू टूट गया। मेरा दादा जिंदा था, दीवार में आग लग गई। मेरा दादा जिंदा था, दरवाजा जला दिया गया। मेरा दादा जिंदा था, मोहसिन शहीद हो गया। हाय अली, हाय करबला, हाय सैयद सच्चा। परवरदिगार हम में से जो गरीब हो उनको तवंगर बना, बीमार हो बीमार करबला सैयद सज्जाद के सदके शिफाए कुल्ली अता कर। हमारी जो बहनें बेटियां माएँ बीमार हो बीमार मदीना जनाब सुगरा के सदके से बच्ची का नाम, एक बच्ची बीमार है बहुत सख्त एक्सीडेंट हुआ है बीमार है मदीना जनाब सुगरा के सदके से सिफत जहरा को शिफाए कुल्ली अता कर। परवरदिगारा जो कोई भी इस मजलिस में जो नेक और जायज़ हाजात रखता हो खुदाया उसकी हाजत को पूरा फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा, हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन मा तनसा। Hey.